कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा, कौन कहा कौन कहा कौन कहा कौन कहा। 24 घंटे पहले तूने जिस बात को असंभव कहा था वही बात मेरी आत्मा की आवाज पर संभव हो गई। पता नहीं मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगी। आज ही मेरी मेडिकल काउंसलिंग है और आज ही मुझे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना है। आज से तू मेरे लिए मर गई है। तो आपने भी आज का खबर पढ़ ही लिया? पढ़ने की जरूरत नहीं है, खबर तो मेरे सामने ही खड़ी है। चित्रांश क्यों सब मुझे कोस रहे हैं? क्या गलती है मेरी, क्या अपराध किया है मैंने? अब तुम आसमान में उड़ रही हो और मैं जमीन पर घिसट रहा हूं। पर हां, मैं तुमसे कहना चाहता हूं उर्वशी कि अपने मां बाप के सपनों को मत तोड़ो, मत तोड़ो उनके सपनों को उर्वशी। हो सके तो वापस लौट आओ, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है उर्वशी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैं तुम्हें बहुत बहुत चाहता हूं और तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हीं ने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के गमों को बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, पर अब अचानक ये रास्ता क्यों बदल रही हो उर्वशी, क्यों बदल रही हो? तुम जिस तरफ बढ़ रही हो वहां तुम्हें दौलत शौहरत मिल भी सकती है, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी उर्वशी, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है उर्वशी, ये मेरा दावा है। ठीक है चित्रांश, तुम कहते हो तो मैं ये दौलत शोहरत सब कुछ छोड़ देती हूँ जो भाग्य मुझ पर लुटा रहा है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या उर्वशी? आज मैं तुम्हारे प्यार की खातिर ये दौलत शोहरत सब कुछ ठुकराने को तैयार हूं, लेकिन क्या तुम मेरी खातिर अपने मम्मी डैडी के पास लौटने को तैयार हो? तुम्हें मेरे मम्मी पापा का ख्याल है लेकिन अपने मम्मी पापा का नहीं। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वादा कर चुकी हूँ कि अपने प्यार का वास्ता देकर तुम्हें घर वापस ले आऊंगी। अब बताओ क्या ये समझौता हम दोनों के बीच हो सकता है? बोलो चित्रांश। जो प्यार शर्तों पर किया जाए, जो प्यार समझौते की बुनियाद पर टिका हो, उसकी आयु लंबी नहीं होती उर्वशी। प्यार में शर्तें और समझौते नहीं उर्वशी। तुम चली जाओ अभी या हमेशा के लिए, पर मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, हमेशा प्यार करता रहूंगा। पर ना, समझौते और शर्तें नहीं। तुम सच कहते हो चित्रांश, आज का इंसान गिरकेट को भी मात दे रहा है। तुम प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, और जो इंसान तुम्हें प्यार करता है उसकी एक बात भी मंजूर नहीं, और फिर भी दावा प्यार का। वाह रे प्यार, जिस दिन से मैं तुम्हें मिली हूँ चित्रांश, मैं देख रही हूँ कि तुम भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। चित्रांश, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई। We'll be right back.
लिखा जो आओ उर्वशी आओ, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत अपसेट हो उर्वशी, अपनों से मिलने गई थी, अपनों से और अपनों की हकीकत सामने आ गई। हाँ कमाल है सर, आप तो लोगों के अंदर तक झांक लेते हैं। मैं अपसेट हूँ, बहुत अपसेट हूँ। मेरे घर वालों ने तो मुझे जीते जी मरा हुआ समझ लिया, उनके कहे एक एक शब्द खंजर की तरह मेरे दिल में चुभ रहे हैं। यही लाइफ है बेबी, यही लाइफ है। इन्हीं जख्मों को पाल पोस कर असली कलाकार उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां अभिनय हकीकत लगने लगता है। मुझे पहले इस बात का डर था, पीके पुराने ख्यालात का आदमी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारी हिम्मत और ताकत इस बात को साबित कर देगी कि तुम्हारा लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है। अंकल मैं किसे दिखाऊंगी और क्या दिखाऊंगी? मैं जानती हूं जितनी शोहरत और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जाऊंगी, मेरे और मेरे परिवार के बीच उतनी ही दूरियां बढ़ती जाएंगी। उन्हें मेरे शोहरत और उसे कमाने के तरीके से नफरत है। और उर्वशी कई रिलेशंस में ऐसा भी होता है, जिन लोगों को करोड़ों का प्यार मिलना हो, करोड़ों का, उनसे ऊपर वाला कुछ अपनों का प्यार छीन लेता है, उनकी कुर्बानी ले लेता है। तुम्हारी शोहरत भी शायद ये कुर्बानी मांग रही है उर्वशी। तुम जाके आराम करो, यू नीड रेस्ट, तुम मेंटली और फिजिकली टायर्ड हो, जाओ आराम। जी अंकल। आरसी ठीक कहता है उर्वशी, भूल जाओ वो सब और कंसंट्रेट करो अपनी न्यू लाइफ पर, अपने फ्यूचर पर। और हाँ, कल ऑफिस में 11 बजे पहुंच जाना, मुझे सब्जेक्ट डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। ओके ठीक है, जाओ बेटे ऊपर आराम करो। जी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आरसी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये ले पूरे 2000 हैं, आज ही अपनी नई किताबें खरीद ले और देख रात को टाइम से पढ़ाकर टाइम से सोया कर। अरे बेटी एक पराठा और ले आना। दिवाली गिफ्ट के बजाय मैं किताबें खरीदूंगी और जब मेहमान घर पर आएंगे उन्हें क्या कहूंगी, देखिए पापा मेरे लिए किताबें लाए हैं। नहीं पापा, आप मेरी किताबों का टेंशन मत लीजिए, आप दिवाली की तैयारियां शुरू कीजिए। इस बार तो आपके नए कपड़े बनेंगे, वो भी मेरी पसंद के, और मम्मी के लिए नई साड़ी भी आएगी। घर से चली गई पर मुझे ख्यालों से क्यों नहीं जाती है तू उर्वशी? तू कभी खुश नहीं होगी, तू मर गई है मेरे लिए, तू कभी खुश नहीं होगी। मैं नहीं चाहता हूं ये आह मेरे दिल से निकले, पर क्या करूं, रोक नहीं पाता, निकलती है। एक बाप के सपने को
उसके विश्वास को तोड़ने की आह लगेगी तुझे। क्यों अपना दिल दुखाते हो, क्यों बद्दुआ देते हो उसे? होनी थी सो हो गई, आपने अपनी मन की उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसने अपने मन की अब क्या कोसना, क्या बद्दुआएं देना? आखिर खून तो हमारा ही है ना। इसी खून पर तो नाज था मुझे कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मेरी शान है, पर उसने अचानक एक मिनट में, अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी का यही सिला देना था ईश्वर को तो यही सही। ऑफिस जाता हूं, ऑफिस में, घर में, रास्ते में हर नजरें मुझे घूरेंगी, सब सहना है, सहूंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेलकम उर्वशी, वेलकम। उर्वशी, तुम्हारा इस ऑफिस में स्वागत है। थैंक यू सर। ये लो उर्वशी। थैंक यू सर। हम काम की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों के साथ करेंगे। ये सभी गुलाब हैं उर्वशी, सभी गुलाब, लेकिन इनके साथ कांटे भी हैं, कांटे भी। यही है फिल्म इंडस्ट्री की फिलॉसफी, यही है फिल्म इंडस्ट्री का दर्शन। गौर से देखने पर, गहराई से देखने पर अर्थ अपने आप निकलने लगता। प्लीज सिट डाउन, बैठो। ये है मेरा सब्जेक्ट, इसका थीम भी इन्हीं फूलों से लिया गया है। ये फूल जब कली थे तो उनके पास था एक कांटा, जो कांटा, वो कांटा इनका पहरेदार था जो इनकी रक्षा करता था। धीरे धीरे कली फूल बनती गई। अब इस फूल में रस आने लगा, इस फूल में रस के साथ साथ इसकी सुंदरता बढ़ती गई, तो रस के लोभी भंवरे इसके आसपास मंडराने लगे और इसका रस चूसने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि ये फूल मुरझा गया, तो रस के लोभी भंवरों ने इसके आसपास आना बंद कर दिया। लेकिन वो कांटा जिसने कली का रूप देखा था, जो कली को शुरू से प्यार करता था, आज भी वैसा ही उस मुरझाए फूल के पास खड़ा था, उसे निहार रहा था, उसे प्यार कर रहा था। यही है सच्चे निस्वार्थ समर्पित प्रेम की कहानी, कली कांटे का प्यार। लेखा जोखा।
सर, वाओ, व्हाट अ सब्जेक्ट। उर्वशी, इस फाइल को अपने साथ ले जाओ और इस सब्जेक्ट में डूब जाओ। इसको कई कई बार पढ़ो और अपने किरदार को जीवंत करने की कोशिश करो। पर हाँ, ये है एक शॉर्टकट प्रोग्राम। इसमें तुम्हें कैमरा मूवमेंट करना है, इसमें तुम्हें टेक्निकल नॉलेज लेना है फिल्म इंडस्ट्री की। एक 5-10 दिन में तुम इसका नॉलेज लोगी ताकि अपने किरदार को जीवंत कर सको, उसमें डूब सको। रोमी को भेजो। ओके। ये है मेरा असिस्टेंट रोमी, बड़ा मेहनती लड़का है और बड़ा हसमुख भी। हाँ, अभी मिलाता हूँ। हाँ सर, आपने बुलाया सर? हाँ रोमी, इनसे मिलिए। ये हैं हमारी नई फिल्म की हीरोइन उर्वशी। नमस्कार। नमस्ते। इंडस्ट्री में अभी नई नई हैं, तो मैंने फिल्म मुहूर्त से लेके फिल्म रिलीज तक का सारा सिस्टम अच्छी तरह समझा। ओके। और हाँ, हमें 15 दिन के बाद फ्लोर पे उतरना है। हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लीजिए सर, सब मैं देख लूंगा। उर्वशी, क्या तुमने मुझे टेंशन में देखा? नहीं तो सर। ये हमारे रोमी साहब, कार चाहे बरसात में चल रही हो चाहे धूप में, इनके वाइपर हमेशा चलते ही रहते हैं। मुझे टेंशन हो या ना हो, ये मुझे हमेशा कहते हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए। दरअसल इनका तकिया कलाम है, टेंशन मत लीजिए सर। तो रोमी, यस सर, मैडम को लेके जाओ और इन्हें सारा सिस्टम समझाओ। ठीक है सर। ओके उर्वशी। रोमी जी, आप टेंशन मत लीजिए, प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी। ठीक है सर, आशीर्वाद दीजिए सर। उर्वशी, आशीर्वाद ऊपर वाले का, सिर्फ ऊपर वाले का। गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो, मेहनत। जी सर। एक मिनट। ओह, कली कांटे का प्यार, रिमेम्बर। जी सर। ओके, आइए रोशनी। सर, कली कांटे का प्यार, वाह। अरे वो देख, वो कमाली मंदिर की गली में रहती ना वो हीरोइन, अरे वो पिक्चर में आ रही है आजकल, उसका बाप आ रहा है देख। हीरोइन का बाप? हाँ। तो कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो फाट हो जाएगी। मुंबई से माल आएगा यार, बूढ़े करो ऐसे बूढ़े के, अभी तो बूढ़े में क्या लड़की बेटा। हटो। सलाम साहब, आज तो हमारी किस्मत ऑटो की किस्मत चमक गई साहब। बैठिए साहब, आप ही की रिक्शा साहब। आपके साहबजादी से ना कोई बड़ी हीरोइन बन के आ रही है, एक ऑटोग्राफ दिला दीजिएगा साहब। पैसे नहीं लूँगा साहब, एक ऑटोग्राफ दिला दीजिएगा, एक फ़ोटो खिंचवा दीजिएगा साहब, ऑटो में लगाऊंगा इतनी बड़ी करके साहब। साहब प्लीज़ एक फ़ोटो खिंचवा दीजिएगा साहब। देखा बेटा, तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है, है? चले शुरू करें। रेडी, 1 2 3 4। ता थे थे ता ता आ थे थे ता। आइए आइए केके साहब, पधारिए। हमारे बहुत अहोभाग्य जो आप जैसे महान डायरेक्टर हमारे यहाँ पधारे। गुरुजी, कला की साधना, कला के माध्यम से आत्मिक सुख प्राप्त करना, कला के माध्यम से ईश्वर से लो लगाना, ये आप जैसे तपस्वी कलाकार ही कर सकते हैं। हम क्या, हम तो आपके चरणों की धूल। नहीं नहीं केके साहब, ऐसा मत कहिए,
आप भी अपनी कोशिश से नए नए प्रयत्न कर रहे हैं। आपके फिल्मों से जनता पर बहुत गहरा असर पड़ा है और आप देश और समाज का हित सोचकर ही फिल्म बनाते हैं। कहिए, आपका यहाँ आने का कारण क्या है? गुरुजी, ये है उर्वशी। हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहां, कौन कहां, कौन कहां, कौन कहां।